आदर और सम्मान किए हो कुछ बात स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के मैंने कल शाम को अपने वीडियो के माध्यम से 65 लाख लोगों के बीच पहुंचा दिया आप कहीं निकाले जाओ और जिसमें कुछ स्वामी जी के चित्र और हमारा हैंडल में जो छपे हुए हैं उन सभी की बातों को मैंने नेट के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से सभी को भेज दिया। ठीक है ठीक है। आज लोगों के कई छोर आए और जो सबसे बड़ी बात है स्वामी जी के नेतृत्व में ऐड चाहिए हमारे कार्यकर्ता और अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों अच्छा तो जिस पीड़ा को आए हैं ये काम से हुआ है तब तक चलेगा इसका अर्थ चलवाना होगा 15 से 20 सेकंड। और जो सबसे बड़ी बात है कि सौ सत्याग्रह विचार का वितरण इस कार्यक्रम में युवाओं को प्रेरित करने के लिए किया जाएगा। ये काम बड़े बड़े बड़ी बड़ी सभाओं में बड़े बड़े मंचों में भी देखने को नहीं मिलता। यही माए आए अपना वीरेंद्र जी से भी बता रहा था ये जो मिला आपने उठाया है इससे बड़ा और कोई काम नहीं है। सत्या सरकार को घर घर में पहुंचाना, ऋषि व देव दैनव की विचारधारा को घर घर में पहुंचाना, ये सबसे बड़ी बात है। और सुनने में ये भी आया है कि वो सत्या प्रकाश एक बैंक की मैनेजर साहब ने अपने माध्यम से बीड़ा उठाया है उसका सारा खर्चा ये 100 सत्या प्रकाश खरीद करके स्वामी जी के नेतृत्व में स्वामी जी के माध्यम से युवा पीढ़ियों के हाथ में बांटा जाएगा। ये बहुत बड़ा काम है। मैं जितना भी प्रशंसा करूं जितनी भी तारीफ आप लोगों की करूं वो कम और थोड़ा है। वो रात्रि का इस सत्र में और मैं विस्तार रूप से इस पर बताऊंगा। अब थोड़ा सा समय के लिए मैं आप लोगों के बीच आया हूं, ज्यादा समय तो लेना नहीं है, केवल यज्ञ के संदर्भ में दो चार बातें मुझे बतलानी है। आप लोगों ने बड़े ही धैर्यपूर्वक शांति के साथ सबसे दुनिया का सबसे अच्छा काम जो अभी भाई गुरु जी बता रहे थे सबसे उत्तम काम इससे बढ़कर के और कोई अच्छा काम दुनिया में नहीं है। लेकिन परेशानी की बात तो यह है कि दुनिया के लोगों ने इसको जानने का प्रयास नहीं किया। दुनिया के लोग इसको जानना नहीं चाहा कि सबसे अच्छा काम हमारे लिए क्या है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि सबसे अच्छा काम आपके लिए यज्ञ करना है। यज्ञ से बढ़कर के दुनिया में और कोई अच्छा काम नहीं। आइए यहाँ पर इसी में मैं एक क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ कि आखिर कारण क्या है। ये यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ कार्य क्यों है जो आप लोग प्रचार करते रहते हैं कि यज्ञ ही श्रेष्ठ कार्य क्यों है। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया और समाधान मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ। देखिए कि तरह विचार करेंगे अगर इसमें मेरे दिए हुए विचारों में कहीं पर भी आप लोगों को संदेह हो तो जरूर आप लोग रोक लेना मुझे, टोक देना मुझे कि भाई मैंने पा लिया आप हमें समझा नहीं पा रहे और समझाइए कि जो आप कह रहे हैं उसमें सच्चाई है सत्यता है या हम लोग जानते हैं वो सत्यता है। नीचे का नीचे गए बच्चे इस माइक नीचे का इस पर नीचे वही नीचे रख लो नीचे रख लो शब्द पर ध्यान देना। भाई ध्रुव जी ने अभी कहा कि यज्ञ वही श्रेष्ठ तमाम कर। हमारे ऋषियों ने कहा कि यज्ञ करना सबसे श्रेष्ठ कार्य है जिससे बढ़कर के और कोई अच्छा काम नहीं। तो आखिर इसमें श्रेष्ठता की कौन सी बात है, कौन सा इसमें श्रेष्ठता हमें दिखाई दे रहे हैं, तो जरा विचार कीजिएगा। टीवी पर हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है ये श्रेष्ठ इसलिए है कि इस यज्ञ को आपने अपने लिए किया
प्राणी मात्र के भलाई के लिए किया, परचाना चाहिए है सब कुछ। जो अकेला खाता है वो अच्छा करता है, जो पीड़ा करके खाता है वो अच्छा करता है। क्या खाता है वो ओके सर सुनिए, जो मांस करके खाता है वो काम अच्छा है या जो छीन करके खाता है वो काम अच्छा है? मांस करके खाता। आप देखिए यहाँ पर आप लोगों ने आहुति डाले और आचार्य जी आप लोगों से आहुति डलवा रहे थे और हर एक मंत्र के अंतिम में आचार्य जी दोहरा रहे थे बार बार किदन नाम हम, यह मेरा नहीं है। क्या नहीं है कि हम लोगों ने ये जो कुछ भी जुगाड़ किया, घी सामग्री संविधा आदि आदि इसमें डालने के लिए जो भी सामान हम लोगों ने जुगाड़ किया है, ऐ परमात्मा ये सामान हमारा नहीं है, ये मेरा नहीं है। वे राज झगड़ा तो धरती पर मेरा मेरा कहिए, धरती पर कोई ये नहीं चाहता कि ये मेरा नहीं है, ये कोई नहीं कहता। एक आज ये समाधियों को छोड़कर मान्य वकील साहब ध्यान से सुनना, मैं आपके लिए ही बता रहा हूँ, धरती पर कोई ऐसा समाज नहीं, कोई ऐसी संगठन नहीं है, कोई ऐसा समाज नहीं है, कोई ऐसा संप्रदाय नहीं है जो ये कहे दुनिया वालों से कि ये मेरा नहीं है। सब कह रहे ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और इसी मेरा मेरे के चक्कर में ही लालू जी जेल में हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, तो दिखाई दे रहा है अभी एक लालू नहीं, बहुत सारे भालू लोग भी, बहुत सारे लोग हैं जेल में। चक्कर क्या था, जेल में क्यों गए? जेल में भाई इसीलिए जाना पड़ा, वो दूसरे के संपत्ति को भी अपना समझने लगे, दूसरे के धन को भी अपना मानने लगे, इसलिए उनका ठिकाना कहाँ हुआ? और आप लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पर यज्ञ को साक्षी रखकर, अग्निकुंड को साक्षी रखकर, अग्नि जो अग्नि वही देवानाम मुखम बता है, अग्नि सभी देवताओं का मुख है, ऐसे देवता को साक्षी रखकर आप लोगों ने क्या कहा? आप लोगों ने कहा कि है परमपिता परमात्मा, हम लोगों ने जो कुछ भी जुगाड़ किया है ये हमारा नहीं है। ये जो त्याग की भावना है, ये जो समर्पण की भावना है, वो केवल और केवल इसी आर्य समाज के माध्यम से यज्ञ के द्वारा ही पाया जाना संभव है, दुनिया में और किसी के पास नहीं है। हम झगड़ा मेरा मेरा का कैसा है देखिए के तरफ, बहुत पहले एक वाद चला था जिसे हम और आपने पूंजीवाद के नाम से जाना है। तो पूंजीवाद वालों की मान्यता है, पूंजीवाद वालों का कहना है कि जो मेरा है वो तो मेरा है, जो तुम्हारा है वो भी मेरा है। पूंजीवाद वालों ने दूसरे के संपत्ति को भी अपना समझा। तो इसको चेक देने के लिए, इसको रोकने के लिए, इसके थामने के लिए एक वाद का प्रचार और चलाया लोगों ने, जिसे लोगों ने साम्यवाद के नाम से जाना है। तो साम्यवाद वालों ने क्या बोला, साम्यवाद वालों ने कहा कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है, जो मेरा है वो मेरा है, लेकिन अगर ज्यादा तुम्हारे पास है तो वो मेरा है। अच्छा बंधु, मैं हाथ जोड़ रहा हूं आप लोगों के सामने, विनती कर रहा हूं, किसी के पास अगर ज्यादा है आप उसे देना चाहेंगे तो स्वेच्छा से दे देंगे क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, क्या करेंगे आप? छीनना पड़ेगा। तो जब आप छीनेंगे तो वहां लड़ाई होगी या नहीं होगी? स्वाभाविक है। अर्थात मेरा कहने का उद्देश्य, झगड़ा दोनों के पास, किनके पास? समाज यानी पूंजीवाद वालों के पास और साम्यवाद वालों के पास, दोनों ने झगड़ा किया है और दोनों के द्वारा ही झगड़ा हुआ है। और आज मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि वैदिक संस्कृति क्या है, वैदिक परंपरा क्या है, वैदिक मान्यता क्या है। प्रतिमूर्ति देखिए, स्वामी जी ने जो लाल वस्त्र धारण किया, आप लोगों ने सादा पहने में है, स्वामी जी ने लाल वस्त्र को धारण किया है, इसी का ही नाम त्याग है, त्याग की प्रतिमूर्ति कहा जाता है। और हमने दुनिया वालों से कहा ऐ पूंजीवाद के मानने वाले लोगों, ऐ साम्यवाद के मानने वाले लोगों, आपने अपना तो अपना समझा ही था और दूसरे का भी अपना समझा, दूसरे का भी आपने अपना समझा। अगर जरूरत से ज्यादा किसी के पास है तो उसे भी आपने लेना चाहा, तो
तो झगड़ा दोनों तरफ से हुआ, पर हम आर्य समाज के लोग, हम वेद पर आचरण करने वाले लोग, वेद मंत्रों से आहुति डालने वाले लोग, वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले लोग, हम पूज्यवाद और सांपवाद दोनों को ये निमंत्रण दे रहे हैं कि ऐ मेरे भाइयों, ऐ दुनिया के लोगों, ऐ मानव कहलाने वालों, जो आपके पास है वो तो आपका ही है और जो हमारे पास है अगर जरूरत पड़े तो ये भी आपका ही है। इसी का ही नाम है यज्ञ। तभी हमारे ऋषियों ने कहा कि यज्ञ वही श्रेष्ठ तमाम कर्म, यज्ञ करना सबसे श्रेष्ठ कार्य है, इससे बढ़कर के दुनिया में और कोई अच्छा काम नहीं जिसको किया जाए। लेकिन दुनिया वालों ने इसको जानना ही नहीं चाहा, दुनिया वालों ने जानने का प्रयास नहीं किया, दुनिया वालों ने अपनी समझदारी का परिचय नहीं दिया और मानवता का भी परिचय नहीं दिया, क्योंकि ये काम मानव ही कर सकता है, मानव के सिवा पशु पक्षी के लिए ये काम है क्या? हो सकता आपके वैशाली जिला में हो, लेकिन ये संभव ही नहीं है, क्योंकि ये सौभाग्य केवल और केवल परमात्मा ने मानव को ही प्राप्त करा है, मानव ही इस काम को कर सकता है, अन्य कोई नहीं, अन्य प्राणी जितने भी हैं वो सब भोगियों नहीं है, वहां कर्म नहीं है। और मानव के साथ दो बातें हैं, दो चीजें हैं, कर्म भी है और भोग भी है। तो हम कर्म करते क्यों है? आने वाला फील्ड को अच्छा बनाने के लिए, आने वाला समय को अच्छा बनाने के लिए, आने वाला समय हमारा अच्छा हो, हमारी प्रोग्रेस हो, हमारी उन्नति हो, इसलिए हम प्रयास करते हैं। तो हमारा जीवन अच्छा यानी सफल से सफलतम की ओर जाए, इसलिए परमात्मा को साक्षी रखकर इस यज्ञ में आहुति डालते हैं और बार बार यही दोहराते हैं, ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है। अब बताइए, अगर हम ये कहते कि ये हमारा है, ये हम जो यज्ञ कर रहे हैं इससे जो सुगंध उठ रही है ये हमने अपने पास रखेंगे, बाहर जाने नहीं देंगे, तो अच्छा काम होता या स्वार्थियों का काम होता? अब देखिए, एक मिसाल और दे रहा हूं, जैसा उदाहरण के रूप में सुबह सवेरे आपके दरवाजे पे कोई आया और ये कहा कि कल से मैं भूखा हूं, कोई खाने का कुछ सामान हो तो आप हमें दीजिए, आपने उसको भोजन कराया, भोजन करके आप यहाँ से तृप्त होकर के वो निकला और ढेर सारा आशीर्वाद भी आपको कि परमात्मा आपको भूखे आप भूख करे और बोले अपने कई दिनों के बाद आपने देखा कि वही आदमी जो पहले आपने भोजन कराया था वो आदमी आपके दरवाजे के सामने से निकल रहा है, आप क्या सोचेंगे? उस दिन को कहा था कि हम कल से भूखा है, हमें भोजन कराइए, आज कहा नहीं लेकिन निकल रहा है, तो आप क्या सोचेंगे, आप क्या सोचेंगे अपने मन में? अरे ये तो वही आदमी है जिसको मैंने एक बार भोजन कराया था, ये सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? सोचेंगे। तो यहाँ क्या हो, ये विश्वास है, ये लोग है और लालच है, खाली लोग और लालच नहीं, ये घमंड भी है कि हमने खिलाया, ठीक इसी तरीके से कोई आदमी आया जिसके तन में तलाशा को पकड़ ली और उसने कहा कि हमें कपड़ा दीजिए, आपने उसको कपड़ा पहनाया, फिर सारा आशीर्वाद दिया, आपको भोजन दिया, कई दिनों के बाद आपने देखा कि वही कपड़ा पहन करके घूम रहा है, तो कपड़ा आपकी बीवी थी, आपने किया था जो कपड़ा, वही कपड़ा पहन करके वो घूम रहा है, तो आप क्या सोचेंगे, ये कपड़ा मेरा ही दिया हुआ, ये भी घमंड है, ये भी कर। ऋषियों ने कहा कि नहीं, यहां घमंड और गर्व को मिटाने की बात है, क्यों? बोले इसलिए कि जिसने गर्व किया है मिट गए उनके वंश, उन तीनों फूल तुम याद कर लो, रावण कौरव कर, हमारे ऋषि मुनि जब कहिए कह रहे हैं कि वो तीन गुण रावण कौरव और कंस वो घमंडी थे, घमंड में चूर थे और घमंड के कारण ही उनका नाश हुआ, इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा यहाँ इसकी समाप्ति है कि ऐ परमात्मा ये हमारा की भावना है, इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा है कि
इससे बढ़ करके और कोई अच्छा काम नहीं। केवल इतना ही, वेद मुकद्दस में भी परमात्मा का उपदेश आया है, यज्ञ वही भुवन सनाभि, यज्ञ क्या है केवल भुवन के नाभि है। जैसा उदाहरण के रूप में आपके सर में दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर साहब सर में दर्द हो रहा है, बंधु जिम्मेदारी के साथ बतलाना, यहाँ पर जो डॉक्टर होंगे वो भी बतलाना कि डॉक्टर का हाथ आपके सर में जाएगा या पेट में जाएगा, है? आपने शायद कभी डॉक्टर के पास गए ही नहीं होंगे। डॉक्टर का हाथ कभी सर पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर को मालूम है कि पेट की गड़बड़ी के कारण ही सर में दर्द है। ये डिस्ट्रीब्यूटर है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट सही ढंग से नहीं हुआ है इसलिए सर में दर्द हो रहा है। डॉक्टर का हाथ जाएगा पेट में कि लाला जी ने अमानत में खयानत किया है, देने में गड़बड़ी की है। लाला जी वाला पद बहुत जिम्मेदारी वाला पद है भाई, ये पेट की गड़बड़ी के कारण ही हाजमा दुरुस्त नहीं हुआ, पेट साफ नहीं हुआ, इसलिए सर में दर्द हो रहा है। यही कारण बना परमात्मा का उपदेश है कि यज्ञ वही भुवन सनाभि, कि ये भुवन के नाभि है, अगर धरती को ठीक रखना चाहते हो तो यज्ञ रचाओ, इस यज्ञ को ठीक रखो तो पूरा भुवन को भी ठीक रखना संभव होगा। अब बताइए इससे बड़ी बात और कुछ है दुनिया में, और किसी के पास है ये केवल वेद से ही मिला जाना, वेद से ही पाया जाना, वैदिक विद्वानों के द्वारा पाया जाना संभव होगा, और दुनिया के लोगों के पास इन सब बातों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। वहां तो झगड़ा है मेरा कहीं, वो जानते नहीं इस चीज को। केवल इतना ही नहीं, परमात्मा का उपदेश और है कि स्वर्ग कामे यज्ञ, अगर आप स्वर्ग की कामना करते हैं तो यज्ञ रचाइए। अच्छा, आप में से कौन ऐसे हैं जो स्वर्ग नहीं चाहते हैं, जरा बतलाना, हाथ उठाना जरा। स्वर्ग नहीं चाहते हैं ऐसे कौन लोग, स्वर्ग नहीं चाहते हैं, है? स्वर्ग है क्या जो चाहते हैं लोग? हाँ, बस धरती को स्वर्ग समझने से तो बात बनेगी नहीं, स्वर्ग बनाना पड़ेगा तब तो। धरती को स्वर्ग बनाना है तो बनाने पर तब तो स्वर्ग बनेगी ना, धरती को स्वर्ग समझने से तो बन नहीं जाएगा। देखिए यहाँ पर कितने सुंदर बातें ऋषियों ने दिया है। ऋषि मुनि कह रहे हैं कि परमात्मा को उपदेश है कि स्वर्ग कामे यज्ञे, अगर आप स्वर्ग की कामना करते हैं तो आप यज्ञ करिए, यज्ञ रचाइए। क्यों? कि यज्ञ से ही स्वर्ग का पाया जाना संभव है। स्वर्ग के माने ये मत समझिएगा कि मृत्यु के बाद वाले जीवन को, मौत के बाद वाली जिंदगी में स्वर्ग, और सभी लोग मरने के बाद स्वर्ग लिखते हैं, चाहे वो बंदर में ही गए हो, वो गए कोई वो पंडित का बाप ही नहीं जानता, वो पंडित बता देता है कहाँ जाए क्या 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 चाहिए क्या करता है, और पंडित से पूछे कि तुम्हारा बाप जब मरा तुमने क्या किया, वो नहीं किया तो वो बता कर। ये सारा काम उल्टा हो रहा है, इसलिए मैंने निवेदन किया यहाँ परमात्मा का उपदेश है स्वर्ग के माने है सुख विशेष, जहां पर सुख शांति चैन और अमन हो वो काम करना चाहिए, और उसी जगह का नाम ही स्वर्ग है। अब यहाँ देखिए पूरे परिवार के लोग बैठे मिलजुल करके बैठे, कोई भेदभाव नहीं, राजा रंग में कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ पर चाहे अधिकारी हो चाहे हमारा कर्मचारी हो चाहे कैसा भी आदमी हो, तो ये सब बैठ करके हम आहुति डालते, भेदभाव नहीं है। तो भेद को मिटाने के लिए ही ऋषियों ने ये व्यवस्था दी है, चाहे दुनिया के लोगों समाज के अंदर में जो भेदभाव है, आज देखिएगा आज राजनेताओं के माध्यम से ही समाज के मानव समाज के अंदर में भेदभाव पैदा किया जा रहा है, मानव समाज के अंदर मानवों में भेदभाव पैदा किया जा रहा है। इस समय एक संगठन और है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होंगे, बाम सेब बोलते हैं। अब बाम सेब है कि अब दाम सेब है वो तो बोले, बाम के माने होता है लेफ्ट, बाम के माने क्या होता है लेफ्ट, लेकिन बाम उसको भी कहते हैं जो सर में लगाते हैं जब सर दर्द होता है। अब ये भाई गुरु जी कहते हैं कि वो नेपाल वाला ही बढ़िया होता है, तो वो बाम नहीं, ये बाम कैसे है देखिएगा। ये बाम सेफ नाम के एक संगठन है जो मानव समाज को किस तरीके से गाली दे रहे हैं, मानव समाज को किस तरीके से बांट रहे हैं,
वो देखे और हमारे यहाँ पर वो बांटने का काम खत्म करने के लिए भी क्यों नहीं ये परंपरा थी कि बांटो मत समाज को, समाज को मिलाओ। क्यों? यही मानवता का कार्य है। मानव वो है जो मिल करके रहे और दुनिया वालों को मिल करके रहने का उपदेश दे। लेकिन आज धरती पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लूटमार हो रहा है। तो उसमें क्या नाम सीरिया में 3.5 लाख से ऊपर लोगों को मारा गया है। तो आज संपूर्ण विश्व केवल सीरिया में क्यों, आपके भारत भी अछूता है क्या? सब जगह यही हो रहा है। तो ये काम क्यों हुआ? ऋषियों ने कहा है कि तुमने वेद को छोड़ दिया, वेद से तुम अलग हो गए, वेद से अपना नाता तोड़ा, वेद से रिश्ता को खत्म कर दिया। इसलिए समाज में जो मानवता का पाठ पढ़ाना था, व्यवस्था को समाप्त करना था, उससे तुम वंचित हो गए। और जो भेदभाव को खत्म करना था, उस काम को छोड़ने से भेदभाव पैदा हुआ। अब ये लोग किस तरीके से भेदभाव कर रहे हैं वो देखिएगा। मैं थोड़ा सा प्रमाण देकर के विराम हो जाऊंगा कि क्या हो रहा है मानव समाज के अंदर में, किस तरीके से ऋषि परंपरा को बदनाम किया जा रहा है, किस तरीके से ऋषि परंपरा पर खतरा लाया गया है। एक एक शब्द पर विचार करेंगे तो सच्चाई खुल करके सामने आता है। भाम से परों का केवल और केवल गाली देना है ब्राह्मणों को। भाई ब्राह्मणों को गाली दे, किसी को गाली देना कोई अच्छी बात है क्या? ब्राह्मण हो चाहे कोई और, किसी को गाली देना कोई अच्छी बात है क्या? ख्याल है आप सब बुजुर्गों का, आप सब श्रद्धालु महानुभावों का क्या विचार है? किसी को गाली देना ये अच्छा काम है? अच्छा काम। अब देखिए वो ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। ये ब्राह्मण अब वो अपने को मूल निवासी बोलते हैं, वो लिखते हैं कि मूल निवासी। अब कहा उसका निवास था वो उसको खुद को नहीं पता। जब इस देश का नाम आर्यवर्त, इस देश का नाम आर्यवर्त था, है और रहेगा, यही कारण बना मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी आर्यपुत्र कह के संबोधित किया गया, योगेश्वर कृष्ण को भी आर्यपुत्र कहा गया, गांधारी भी अपने पति को आर्यपुत्र कह के संबोधित करते हैं, चाणक वाला सीरियल में भी आर्य वीर आर्य योद्धा कहा गया। आप जब यज्ञ करते हैं संकल्प में आचार्य जी भी यही दोहरा रहे थे, ओम तत्सता ब्रह्मणो द्वितीय पुराणे वैव सत्पर मंत्र जम्मू दीपे भारत खंड आर्यवंतर जते कहा गया। वहां पर किसी और का नाम नहीं लिया गया, हिंदू वंतर जते भी नहीं बोला गया, आर्यवंतर जते। कोई संस्कार करते कराते तो आपको संकल्प में ये पाठ पढ़ना पड़ेगा। यही कारण बना कि ये सारा प्रमाण आ रहा है आगे सृष्टि से, बिल्कुल चलता चला आ रहा है, हम लोगों ने उसको जानने का प्रयास नहीं किया। तो जब ये देश का नाम आर्यवर्त है, भाई तुम इस देश के मूल निवासी क्यों और कैसे बोल रहे हो आर्य होकर? जब तुम आर्य नहीं हो और इस देश के मूल निवासी कह रहे हो तो ये बात सही है या गलत है? अब ये गाली जो दिया किस बिना पर दिया, किस आधार पर दिया? ये ब्राह्मणों ने बांटा है। बंधु ऐसा है, सच्चाई क्या है देखिएगा, ब्राह्मण उनको कहा जाता है ब्रह्मा जानाति स ब्रह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है, जो परमात्मा को जानता है, जो सृष्टि के रचनाकार को जानता है, जो सृष्टि के रचयिता को जानता है, उनका नाम ब्राह्मण होता है। तो जो जानेगा वही बताएगा या अनजान आदमी बता देगा आपको? जानने वाला बताएगा, जानने वाला बताएगा। अब देखिए जानने वाले को गाली दे रहे हैं, जो रास्ता बताने वाला है, जो मानव जीवन का कल्याण करना है, मानव समाज को एक रास्ता बताना है, जिसको उन्हें गाली दे रहे। और यहाँ तक कह रहे हैं ब्राह्मण को मिटाओ, ब्राह्मण वाद को मिटाओ, जबकि ब्राह्मणों का कोई वाद नहीं होता है। ब्राह्मण उसको कहा जाता है जो ब्रह्म को जानता है। और ब्राह्मणों के 6 गुण है, वेद पढ़े पढ़ावे, यज्ञ करे करावे, दान दे और दान ले, ये 6 गुण ब्राह्मणों का है। अब यहाँ एक शब्द आया जरूर है कि जो लोग इस काम को नहीं करते हैं वो तथाकथित ब्राह्मण हम जिनको कहते हैं। ऐसे भी लोग हैं समाज में कि जो जानते नहीं है और वो कहते हैं कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। छात्र का कहना है जन्मना जायते शूद्र संस्काराद्वीय उच्यते, जन्म से हर कोई शूद्र पैदा होता है और संस्कार से ही वो द्विज बनते हैं। अब संस्कार
संस्कार है। राम से ज्यादा विद्वान था रावण, चार वेद का जानने वाला, छह शास्त्र का जानने वाला, लेकिन आचरण नहीं था। अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जितना जानते थे उतने पर ही वामन करते थे, इसीलिए आज 9.5 लाख वर्ष बीत जाने के बाद उनकी नाम की चर्चा हम लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनकी क्षेत्र की पूजा हम लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। अब यहाँ ये बातें, तो हमारे ऋषियों ने कहा कि ब्राह्मण वो होते हैं जो समाज का दिशा निर्देश करे, पंडित कहलाने वाले, जो पंडित है, जो विद्वान को पंडित कहा जाता है, यहाँ अविद्वान को ही पंडित कह रहे हैं लोग। अब देखिए, आप लोगों ने तो बड़ी भूल की, आप लोगों ने उन्हें पंडित कहने में जरा सा भी संकोच नहीं किया जो हिंदू घराने में जन्म लेना एक्सीडेंटल माना। समझ में आ रही बात कुछ? हिंदू घर में जन्म लेना दुर्भाग्य माना है कौन? नेहरू। अब ये भी पंडित कह रहे हैं जो अल्लाह नेहरू जी का नाम है जी। अब देखिए, जो हिंदू घर में जन्म लेना दुर्भाग्य मान रहे हैं, तो हिंदुओं को छोड़ करके कहीं ये पंडित नाम मुसलमानों में, ईसाइयों में, जैनियों में, बौद्धों में कहीं आया है? अब ये सारा ईसाई मिशनरी मिलकर के राहुल के नाम का प्रचार कर रहे हैं कि राहुल आ जाए किसी तरीके से, और वो राहुल हिंदुओं को धोखा देने के लिए तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, कहीं कहीं जनेऊ भी दिखाते हैं, घूम रहे वहां। लेकिन मेरा कहने का उद्देश्य ये है, यहाँ पर हमारे ऋषियों ने कहा है कि वो पंडित है, वो ब्राह्मण है, जो विद्वान है, जो यज्ञ करते कराते हैं, वेद पढ़ते पढ़ाते।